हमारी कैबेज, यहाँ हमारा पास्ता, कैबेज, दाल। बताओ तो सही, किसी और दिन नहीं खाना ऐसा लगता है। शिप सी योर थर्ड ऑफिसर, यू वांट वाटर 14 मीटर्स लाइक इफ आई वुड बी ऑन दैट दैट्स जस्ट माय डिस्टेंस। ऑमलेट भी बड़ा हुआ क्योंकि मैंने फ्रेड को बुला हुआ, तो फ्रेड ऑमलेट पहले बना के रख देता, बट अब ऑमलेट में टी टाइम में खाऊंगा। ये अपनी बेस्ट प्लेस, मतलब यहाँ पे जो बॉयलर सूट में बैठते हैं, मतलब जिनको बॉयलर सूट में जिनको खाना खाना है वो यहाँ पे बैठेंगे। ड्यूटी मेस रूम होता है ये, और जो साथ वाला है वो मेस रूम, जहाँ पे आप सिविल क्लोथ्स में बैठना अलाउड होता है। यहाँ कुछ भी कहो, अपने रूम में आके ना जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। और मुझे ऐसे नेचुरल लाइट इतनी पसंद है ना, पूछो मत। तभी लाइट आ रही है रूम में, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो मैं वैसे इतने दिनों से हम ना इंजन रूम में रह रहे के सूरज को देख नहीं पाते हैं, मतलब सनलाइट ले नहीं पाते हैं, इसलिए मैं शाम को क्या करता हूँ, प्रैक्टिस है शाम को, मैं बाहर जाके ना 10-15 मिनट के लिए बैठ जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी टाइम डिफरेंस की वजह से भी कह लो, और इंजन रूम में नीचे रहते हैं तो उसकी वजह से भी कह लो कि हम लोग सन देख नहीं पाते। तो इसलिए बेस्ट होता है कि आप शाम को अपने लिए टाइम निकाल के जाओ खुद, और सन रे लो, थोड़ी थोड़ी सी विटामिन डी लो, क्योंकि नेचुरल से अच्छा कुछ नहीं होता, चाहे कितनी भी टैबलेट। फ्रेश फ्रूट्स, ओके डन, डेफिनेटली कौन नहीं खाएगा फ्रेश फ्रूट। कैबेज रोल, मिंच, बीफ, बीफ तो नहीं, ग्रिल्ड चिकन मसाला, ओके, बॉयल्ड राइस, ओके, ब्रोकली, वेजिटेबल कड़ी। अरे यार मेरा क्या ले रहा है। कैसे लाइफ लगती है ऑन बोर्ड? अरे बताओ तो सही, फिर भी और दिन बहुत तेज हो रहा है। नहीं खाना ऐसा लगता है, शिप पे खाना अच्छा होना चाहिए ना, तभी बंदा टिकता है। आपको कैसा खाना लग रहा है? अरे बताओ ना यार, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? और चाहे अगर खाना बुरा हुआ तो सारा कॉन्ट्रैक्ट बेकार। खाना ही ढंग से नहीं रहा। सबसे बेस्ट आपका कब का था, मतलब कौन से खाना मिला? नॉर्मली मैं अगर सही से बोलूँ तो मैं खाने को कभी बुरा नहीं बोलता। अच्छा, तो मेरे हिसाब से खाना या तो अच्छा हो सकता है या बहुत अच्छा हो सकता है, खराब तो हो नहीं सकता बिकॉज खाना है वो। हाँ, बहुत होगा तो मिलता नहीं। हाँ, हम तो लक्की है, हमें एटलीस्ट दो टाइम खाना मिल रहा है। कभी थोड़ा टेस्ट ऊपर नीचे होता है, बट एटलीस्ट खाना मिल रहा है, हमें तो उसके लिए थैंकफुल रहना चाहिए। कभी कभी होता है, जैसे मैं कैसे हूँ कि मुझे इंडियन खाना ही पसंद है, मसाला मैं बाहर भी जाता हूँ तो ट्राई करता हूँ, मतलब मैं ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ कि यार ये ट्राई करूँ, मेरे को ना जैसे जो टेस्ट मेरे को नहीं बैठेगा जबान पे तो मेरे से नहीं होता है खाना। तो जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया तो शुरू में तो हालत ख़राब हो गया, सूखा चावल खाता था विथ अचार, क्योंकि बाकी कुछ तो होता नहीं था, पोर्क वगैरह बनाता था, चिकन वगैरह भी कभी कभी ऐसे बॉइल करके रखता था, अपने को सबका अंदर हैबिट नहीं था। तो शुरू शुरू में सिर्फ सूखा चावल अचार खाता था, सैलेड खाता था, और फ्रूट्स रहता था जो भी बचा हुआ सब खा जाता था, क्योंकि पोर्शन तो पूरा मिलना चाहिए। तो शुरू 3-4 दिन चिप टूक ठीक था, 3-4 दिन देखा उसे ना, उसने कहा कि आप खाना नहीं खाते हो, मैं बोला मेरे को मतलब इतना टेस्ट पसंद मतलब वो नहीं है, मतलब तो वो उसने खुद पूछा कि मैं आपके लिए मूंगू बीन सूप कुछ बनाऊँ, मूंगू बीन का सूप जैसा, और शाम को चिकन का करी जैसा इंडियन जैसा ट्राई करूँ, तो मैं बोला हाँ ट्राई करूँ। तो उसने बनाया, ठीक लगा मेरे को, फिर उसने पूरा 2 महीना मुझे सेम खिलाया। बट एटलीस्ट मूंग बीन का सूप और शाम को चिकन का करी, मतलब सेम करी सेम चिकन सेम पीसीज होते थे, बट मिलता रहा 2 महीना। देखो शिप पे आया ना तो सैलेड जरूर खाना, क्योंकि शिप पे आके ना लोगों को गर्मी की वजह से कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन हो जाते हैं। मैं जिन जो भी ज्वाइन करने वाले मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये चीज़ ये इम्पोर्टेंट है। मैं खाना खा के आया था और नींद आ गई, पता ही नहीं लगा, अभी जस्ट उठा हूँ।
110 हो गए हैं, वापस फील्ड पे जाने का टाइम हो गया। मतलब खाना खा के ना, मैंने जैसे बताया हुआ कि शिप पे बैठते ही ना कहीं पे भी बैठ जाओ नींद पता नहीं कैसे आ जाती है। मैं बस यहाँ से वहाँ पैर रख के बस सो गया, ऐसी नींद आ रही थी ना ज़बरदस्त। कॉफ़ी पीऊँगा, कॉफ़ी पी के मैं अपना जिम जाऊँगा। बाकी मेरे रूम का हाल थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। फ्रूट्स देखो, इतने सारे फ्रूट्स पड़े, मैंने अभी तक खाए नहीं है। यहाँ लैपटॉप है मेरा, फ़ोन। मैं अभी जस्ट जिम जाने के लिए रेडी हो रहा था, टी शर्ट पहन ली, बट मुझे फिर याद आया कि मेरे पास एक ही लोअर है जो मैं लाया हूँ, और दूसरा वाला मैंने रखा नहीं। ऐसे ही होता है जब एक बड़ी पैकिंग ना हो ना आपकी और आप कुछ भूल जाओ अगर घर पे, कि शायद था नहीं वो तो टी शर्ट थी मेरी, तो फिर अगर आप भूल गए तो फिर तो छोड़ ही दो। वैसे ठीक भी है, इतने सारी मैंने पैकिंग की थी। मतलब इस बार मेरा मूड था कि मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि हर बारी मैं इतनी चीज़ें लेके जाता हूँ शिप पे और बैग भारी हो जाता है, जब आते वक्त कुछ ले लो तो फिर डबल भारी, तो इसलिए मैंने कहा इस बार नहीं कुछ लेके जाऊँगा। सबसे बोरिंग काम होता है ये डंबल असेंबल करना, इसकी वजह से ना मैं आधा वेट मारता ही नहीं हूँ। अब मैंने डंबल असेंबल किए 12:30, 12:30। आज के लिए जिम ख़त्म, अब करेंगे कल जिम। खाना खाने का टाइम हो गया, अब अपने होटल जाने का टाइम हो गया, तो मैं होटल जा रहा हूँ। सो ये मेरे साथ करते जिम, बट आज ही अकेले आए। सो व्हाट यू वांट टू डू टुडे? चेस्ट डे। ओह, टुडे इज योर चेस्ट? Yeah, today he ditched me, but कोई बात नहीं, चलता है। See you, enjoy. Good night. Good night. इसने आज मेरे लिए ऑलरेडी निकाल कर रख दिया, ये टूना सैंडविच, वेजीज, पोटैटो। ब्रेड वैसे निकाल कर रख देता है, अच्छी चीज़ है, उसको पता होता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही खाऊँगा, और ज़्यादा के साथ साथ उसको पता होता है कि मैं फ़िश ज़्यादा खाता हूँ, प्रेफर करता हूँ। चिकन शिप पे आके नहीं करता मैं, घर पे होता हूँ तो चिकन ज़्यादा खाता हूँ, शिप पे आ जाता हूँ तो फिश ज़्यादा खाता हूँ। वो कहते हैं ना नेचर, तो शिप पे आके ज़्यादा फिश, घर पे जाके ज़्यादा चिकन। ज़्यादा भी नहीं, घर पे आके थोड़ा मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि चिकन अब बंद ही कर दूँगा। मज़ा आ गया, मतलब जिम के बाद जब आपको डाइट मिल जाए ना तब ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि एकदम से आपका मील आपके सामने रेडी पड़ा हुआ है। वो सारे जिम वाले जानते हैं, और जिनको ज़्यादा तेज़ भूख लग रही होती है मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि मील मेरा थोड़ा लेट हो जाए जिम के बाद। बहुत होती है जिनका अप एंड डाउन चलता रहता है, एक वर्क पर एक फूड आपको बहुत अच्छा भी मिलेगा, कभी कभार नॉर्मल भी मिलेगा, वर्क कभी कभार बहुत ज़्यादा भी होगा और कभी कभार बहुत कम भी होगा। तो इन दोनों चीज़ों से ना कभी भी आपको ये नहीं होना चाहिए यार आज वर्क बहुत ज़्यादा है या आज खाना बेकार है, अगले दिन ना वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है। डिपेंड करता है आपका क्रू कैसा है, बाकी लोग कैसे हैं, बट ओवरऑल सब कुछ बेस्ट हो जाता है। Good. You want water? Not yet. I think 30 times you open each other. But why you are doing such a high intensity? I strive to get sweat, because with the sweat we release, you know, all toxins we have in organism. I just like it, you know, but better I would have this. Just tell our viewers how many times you do this. 30 times up. 30 times down, yeah.